अच्छा, आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 करा था। क्या कह रहे हैं? अ मैन ऑब्जर्व्स दैट अ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ माउंटेन मेजर्स 45 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ऑन वॉकिंग 100 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर्स 43.45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? कह रहे हैं एक आदमी है, उसने ऑब्जर्व करा के उसकी ग्राउंड पे पोजीशन से टॉप ऑफ द माउंटेन तक का जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन का जिक्र हो रहा है तो क्या मतलब? हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ, तो हमने बनाया 45 डिग्री। कह रहे फिर वो अगर वो 100 मीटर जब वो पीछे हुआ, अब उसका जो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द माउंटेन से वो क्या बन रहा है? 43.45 डिग्री बन रहा है। तो बताओ माउंटेन की हाइट कितनी है। अच्छा, ये हो गया। दूसरी चीज़ हमने क्या पहले हमेशा पिछली वीडियोस में बताया कि ऐसे सवाल जिसके अंदर दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हो। देखें, एक लार्ज राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, उसी के अंदर एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो हमेशा इसके ये तरीका सॉल्व करने का, पहले एक एंगल को लेते हुए इक्वेशन बनाई जाए, फिर दूसरे एंगल को लेते हुए इक्वेशन बनाई जाए। तीसरी चीज़, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा लगाना है, टेन साइन कॉस? तो वैसे तो टेन ही लगता है हमेशा, लेकिन तरीका क्या है कि इस एंगल को हम लेते हुए पहले बना रहे हैं तो हमें देखें क्या क्या गिवन है। एक तो हमें यूज करना है परपेंडिकुलर, साफ सी बात है, एच निकालना है। और दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है? बेस में चीज़ें गिवन है ना, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस यूज करना है। तो हमें पता है टेंजेंट किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अच्छा, हम लोग टेन थीटा पहले कौन सा यूज कर रहे हैं? 45 डिग्री। तो टेन थीटा की जगह टेन 45 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? हाइट है, हाइट लिख दिया। और बेस क्या हमारे पास? बी सी, बेस है, हमने वो लिख दिया। अच्छा, एच हमें निकालना है, बी सी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? टेन 45 मल्टीप्लाई बाई बी सी इक्वल टू एच। टेन 45 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल होता है, कैलकुलेटर से देखना चाहे तो। तो 1 मल्टीप्लाई बाई बी सी किसके बराबर हो जाएगा? बी सी इक्वल टू एच के इक्वल हो गया। पहला यूज करते हुए हमने बना लिया 45 डिग्री। अब हम लोग ये वाला एंगल यूज करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पे भी टेंजेंट ही लगाएंगे। अब इस बार टेंजेंट परपेंडिकुलर बेस क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर ये पूरी हाइट बन जाएगी और बेस ये पूरा नीचे वाला बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बी सी प्लस 100 मीटर, तभी तो ये पूरा कहलाएगा। तो यहाँ पे दोबारा लगा देते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा हमारे पास? टेंजेंट 43.45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एच। और बेस क्या होगा इस बार? ये पूरा होगा। तो पूरा किसके बराबर है? 100 प्लस बी सी के इक्वल है हमारे पास। अच्छा, अब एक चीज़ देखें, ऊपर बी सी किसके बराबर है? एच के बराबर है ना, तो इस बी सी को मैं एच लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? टेन 43.45 डिग्री की पहले वैल्यू देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? टेन 43.45 किसके इक्वल है? 0.9473 के इक्वल है, इक्वल टू एच ओवर 100 प्लस एच। अब देखें, एक ही अननोन वैल्यू एच, बस हमें इस एच को फाइंड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऐसे लिख दूँ, 0.9473 ब्रैकेट में 100 प्लस एच इक्वल्स टू एच, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, 0.9473 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 94.73। क्यों? दो पॉइंट है, दो जीरो है, तो दो पॉइंट आगे जाएगा 94.73। इसी तरह ये एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे तो आप कैलकुलेटर से करवा लें, 0.9473 एच, और ये हो जाएगा इक्वल टू एच। एच हमें निकालना है, तो एच वालों को एक साथ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 94.73 इक्वल टू एच, और ये वहाँ हो जाएगा माइनस 0.9473 एच। अच्छा, सिर्फ एच का क्या मतलब है? 1 माइनस 0.9473 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.9473 आ जाएगा हमारे पास 0.0527। तो क्या हो जाएगा? 94.73 इक्वल टू 0.0527 एच आ गया। निकालना है एच, तो एच ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकता हूँ 94.73 डिवाइडेड बाई 0.0527, और एच किसके बराबर हो जाएगा? 94.73 डिवाइडेड बाय 0.0527, और हमारा आंसर आया 1797.5। अच्छा, ये किसमें गिवन है? 100 मीटर है ना, तो ये भी किसमें आएगा? मीटर में। तो माउंटेन की हाइट हमारी क्या है? 1797.5 मीटर।